हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फ्रेंड्स आपका कैप्टन एग्रो चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे जेट आईसीआर बीएचयू आदि में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप कैप्टन एग्रो चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तथा वो वीडियो देखते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, जो अपना जो पिछला क्वेश्चन था उसका जो आंसर बताया है उनका नाम बताना चाहूँगा दोस्तों मैं, उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बधाई हो। दोस्तों, उनका नाम है हर्ष सिंह एंड युगल पांडे। दोस्तों, इन्होंने जो लास्ट क्वेश्चन था अपना कि जो इंजीनियर जो चेन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों उसकी जो आंसर दिया है इन्होंने वो दिया है 100 फीट। और दोस्तों, ये बिल्कुल 100% राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन है अपने पास कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना प्रजनन संस्थान शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है मुंबई, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों, जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो है तमिलनाडु में। और दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर के अंदर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है तमिलनाडु कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फलों की खेती क्या कहलाती है। दोस्तों, जो फलों की खेती करते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे लेक कल्चर, एपिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर। दोस्तों, फल से मतलब ये नहीं है कि फ्लोरिकल्चर। दोस्तों, फ्लोरिकल्चर होता है फलों की खेती, या मतलब सॉरी फूलों की खेती। यहाँ पे फलों की बात हो रही है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होना। तो जो फलों की खेती क्या कहलाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है लेक कल्चर, एपिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर। तो दोस्तों, जो फलों की खेती कहलाती है वो कहलाती है पोमोलॉजी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पोमोलॉजी। और दोस्तों, जो अगर बात आती है फ्रूट मतलब फ्लावर्स की, सॉरी तो इसका आंसर है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बुरी क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों, बुरी क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड्स, चार ऑप्शन है यहाँ पे, मांस उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और ननोबीज। तो दोस्तों, जो बुरी क्रांति चलाई गई थी उसका जो संबंध है वो है उर्वरक उत्पादन। दोस्तों, उर्वरक बढ़ाने के लिए बुरी क्रांति चलाई गई थी, तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो है उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मूली में तीखापन का क्या कारण है। दोस्तों, मूली जो होती है थोड़ा तीखापन आता है उसके अंदर, तो उसका कारण क्या है। दोस्तों, उसके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है कि जिससे वो मूली तीखी लगती है, उसके अंदर तीखापन आता है। चार ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे, आइसोसाइनेट, कैप्सिसिन, टेनिन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, आइसोसाइनेट, कैप्सिसिन, टेनिन, नन ऑफ दीज। दोस्तों, इन क्वेश्चनों का आंसर आप भी देने की कोशिश किया करो वीडियो को पॉज करके, अगर आपको आता है तो सोचा करो और आंसर दिया करो। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जो मूली में जो तीखापन का जो कारण है वो है आइसोसाइनेट। दोस्तों, आइसोसाइनेट के कारण मूली के अंदर तीखापन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए का क्या नाम है। तो दोस्तों, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। और यहाँ पे बात हो रही है कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है, अल्पता हो जाती है, तो उससे कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन है, रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मलिका की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, मलिका एक आम की वेराइटी है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों, मलिका की दो संकर मतलब मलिका की उत्पत्ति दो आम की जो वेराइटी है उनका संकरण करवाने के बाद नई वेराइटी बनी है मलिका। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी दो वेराइटी हो जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है नीलम दसारी, अल्फांजो दसारी, अल्फांजो नीलम, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जो मलिका की उत्पत्ति हुई है वो है हुई है नीलम और दसारी के क्रॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अनार का कौन सा भाग खाया जाता है। दोस्तों, जो अनार होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है, पेरिकार्प, रसदार टेस्टा, मीजोकार्प या नन ऑफ दीज। दोस्तों, पेरिकार्प के अंदर तो पूरा आ गया, तो पूरा तो खाया नहीं जाता, सिर्फ उसके अंदर के जो बीज होते हैं वो खाए जाते हैं और दोस्तों उनको बोला जाता है रसदार टेस्टा। तो इसका आंसर है रसदार टेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पशुओं की लार में पाया जाने वाला एंजाइम। दोस्तों, पशुओं की लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन है, पेप्सिन, रिनेट,
टाइलिन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो पशुओं की लार में पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है। और दोस्तों इस सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटिन्यू फ्रेंड्स, जीवाणु विज्ञान के जनक, दोस्तों जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों चार ऑप्शन है, अरस्तु, एडम स्मिथ, ल्यूनहॉक, कॉपन। तो दोस्तों जो जीवाणु विज्ञान के जो जनक है वो है ल्यूनहॉक। तो दोस्तों इसका आंसर है ल्यूनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से बोनलेस मीट किसको कहा जाता है? दोस्तों बोनलेस का मीन्स है कि बिना हड्डी वाली मीट किसको कहा जाता है, जिसके अंदर बोन नहीं पाई जाती। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, सरसों, आम, सोयाबीन, गेहूं। तो दोस्तों जो बोनलेस मीट के नाम से जिस फसल को जाना जाता है वो है सोयाबीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सोयाबीन। दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोनलेस मीट किसको कहा जाता है, कौन सी क्रॉप को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ सेंचुरी किस जिले में है? दोस्तों जो कुंभलगढ़ सेंचुरी है राजस्थान के अंदर, तो दोस्तों कौन से जिले में है? तो चार ऑप्शन है, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो दोस्तों जो कुंभलगढ़ सेंचुरी है वो है उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों इसका आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों मल्लीनाथ जो पशु मेला लगता है राजस्थान के अंदर, जिसमें पशुओं को मतलब सेल किया जाता है, पशु का मेला लगता है, तो दोस्तों कहाँ पर लगता है मल्लीनाथ पशु मेला? चार ऑप्शन है, बाड़मेर, नागौर, कोटा, जैसलमेर। तो दोस्तों बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर है बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों चार झील को झीलों का नाम है, उनमें से खारे पानी की कौन सी है? पिचोला, राजसंबंध, सांबर, कोलायत। तो दोस्तों जो राज जो साम जो सांबर झील है वो है खारे पानी की झील, बाकी तीनों झील है मीठे पानी की है। फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, सांबर झील खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राजस्थान का कश्मीर किस जिले को कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का जो कश्मीर है, कश्मीर से मतलब है टंडा जिला, किसको कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये राजस्थान जीके का और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा इसका आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है उदयपुर, भरतपुर, कोटा, जयपुर। तो दोस्तों जो कश्मीर कहा जाता है राजस्थान का, वो कहा जाता है उदयपुर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मेडजूल एवं हलावी किस फसल की प्रमुख किस्म है? दोस्तों जो मेडजूल एवं हलावी है किसकी प्रमुख किस्म है, कौन सी फसल की प्रमुख किस्म है? तो दोस्तों चार ऑप्शन है यहाँ पे, संतरे, आंवला, बेर, खजूर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और दोस्तों और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालना दोस्तों। और वीडियो को अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट जरूर करें, और दोस्तों इसका आंसर जरूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।